हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो जिसमें एक यूनिवर्सिटी के हम डॉर्म को कैप्चर करेंगे। असल में हमारा एक स्टूडेंट आया था, हम उसको रिसीव करने गए थे। हम आज जिस यूनिवर्सिटी के डॉर्म को मतलब उसकी वीडियो बनाने लगे हैं वो है जिनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये यूनिवर्सिटी फ़र्स्ट टाइम मैं भी विज़िट कर रही थी। तो इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी कैंपसेज हैं और मेन गेट पर हम लोगों को टैक्सी लेने आ गई थी क्योंकि डॉर्म जो था मेन गेट से यूनिवर्सिटी के काफ़ी दूर था। तो उन लोगों ने स्पेशल एक कार बुक की हुई थी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को मेन गेट से लेके इंटरनेशनल डॉर्म तक लेने आएगी। और ये सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये जो गाड़ियां खड़ी हुई सब यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो यह यूनिवर्सिटी देखो तो मेरा दिल वैसे ही बहुत खुश हो गया क्योंकि चाइना में यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है। और बचपन से हम सब पाकिस्तानियों को ये ख्वाब होता है कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ें। तो ये हम मेरे ख्याल से डॉर्म के पास बिल्कुल पहुंच चुके थे और हम यही सोचते कि अच्छा हुआ गाड़ी लेने आ गई थी, लेकिन इतना सामान लेके हम बच्चे को कैसे डॉर्म तक लेके आते। हम ये डॉर्म तक पहुँचे ही थे तो आप देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले रही है। तो ये लोग डॉर्म्स वगैरह ने न्यूली कंस्ट्रक्ट किए, यहाँ पे बच्चे की रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीज़ हुई थी। हम वहाँ से एंटर हुई थी जहाँ पे फेस स्कैनर भी लगा हुआ है। बच्चे ने अपना यहाँ पे नाम ढूंढा और उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स वगैरह किए। सिग्नेचर्स वगैरह करने के बाद आपको डॉर्म की दे दी गई थी और उसके बाद हम एंटर हुए थे अंदर जहाँ पे इन लोगों ने, ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले रही है तो ये फर्स्ट इन लोगों ने बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्ट की और कितनी प्यारी इन लोगों ने ये जो फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, और साथ में ये रूम नंबर्स लिखे हुए थे। और ये पूरी एक लॉबी थी 304 और साथ में इस बच्चे को जो हमारा स्टूडेंट था इसको 305 रूम दिया गया था। ये चाइनीज जो वॉलंटियर्स हैं खुद छोड़ने आए थे सामान उठा के, तो चाइनीज इतना प्रोटोकॉल देते हैं। और जब यहाँ पे हम रूम में एंटर हुए तो रूम देख के तो मैंने कहा वाह यार क्या इंटरनेशनल डॉर्म इन लोगों ने दिया है स्टूडेंट्स को, मतलब कि यार क्या आला किस्म का इन लोगों ने रूम दिया बच्चों को, बिल्कुल न्यूली फर्निश्ड है। और उसके बाद बच्चों के लिए इन लोगों ने नीचे टेबल्स वगैरह भी दिए हैं जहाँ पर वो स्टडी कर सकते हैं, साथ स्टेयर्स दिए हैं ऊपर चढ़ें ऊपर जाके अपने बिस्तर पे सोएं। तो पर पर्सन जो बैचलर्स में होता है चाइना में वो 4 पर्सन एक रूम शेयर करते हैं और ये रूम काफ़ी स्पेसियस था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने चेयर टेबल हर चीज़ लगाया। फिर मैं रूम से बाहर आई, मैंने कहा चलो बाहर का व्यू कवर करते हैं और देख के और हवा वगैरह इन्वायरमेंट देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया था। मेरा दिल ही कह रहा था कि मैं सारा कवर करूं। ये वॉशरूम आप देख सकते हैं कितना आला इन लोगों ने इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब शॉवर दिया हुआ है, गीज़र लगा हुआ था, ठीक है, नहाने की जगह अलग थी और वॉशरूम करने का जो था वो सेपरेट उन्हें दिया हुआ था। साथ लोगों ने कहते हैं जूते रखने के लिए भी जगह दी हुई थी तो ये बच्चे अपने जूते रख सकते हैं यहाँ पे। और साथ हर एक टेबल के साथ उन्होंने एक कबर्ड दी हुई थी, साथ टेबल स्टडी टेबल दिया हुआ था, एक चेयर दी हुई थी, मतलब कि यार दिल खुश हो गया था रूम देखे कि इतना आला रूम दिया हुआ है इन लोगों ने। हर फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है, एसी आपको दिया हुआ है और स्पेशियस रूम है, बीच में डाइनिंग टेबल लगाओ, कारपेट लगाओ, जैसे मर्जी अपने रूम को डेकोरेट करना आप कर सकते हो। उसके बाद मुझे पता चला कि पीछे उन लोगों ने एक स्पेस भी दिया हुआ है, वहाँ पर जब मैं गई तो वो लॉन्ड्री की जगह थी। उन्होंने स्पेशल हर बच्चों को बैचलर्स में एक प्राइवेट वॉशिंग मशीन दी हुई थी, ठीक है, और साथ एक ड्रायर भी दिया हुआ था और आप उस पीछे जो है लॉन्ड्री में अपने कपड़े सुखा सकते हो। तो इतना बड़ा रूम इन लोगों बैचलर्स के बच्चों को दिया, यकीन करो, मतलब मुझे यकीन ही नहीं आया था कि यूनिवर्सिटी इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बैचलर्स को भी देती है। तो आप ये रूम की पिक्चर्स देखो कि कितना स्पेशियस रूम है, कितना आला रूम है। चाइना में पढ़ने का तो यकीन करें मज़ा ही आ जाता है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल डॉर्म, उसके बाद यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, एजुकेशनल लेवल इतना इतना अच्छा, किचन सेपरेट दिया हुआ बच्चों को कि बच्चे अपना खाना छाना हर चीज़ बना लें, तो इस ज़्यादा बढ़ के और क्या चाहिए होता है। मतलब आप पाकिस्तान में जहाँ पे 2-2 लाख पर सेमेस्टर फीस दे, वहीं पर 5-6 लाख रुपया लगा के चाइना आ जाओ, बैचलर्स मुफ्त में हो जाएगा, ट्यूशन हॉस्टल फ्री, ट्यूशन फ्री तो हॉस्टल चलो 2000 RMB बनता है जो कि साल का 80,000 बनता है, तो इतना तो बंदा दे ही देता है। ये सब फैसिलिटीज़ तो कभी पाकिस्तान में मिलने नहीं वाली और ना एजुकेशनल लेवल मिलने वाला, ना ऐसी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। किचन में आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मतलब कि यार हॉट प्लेट्स भी दी हुई है उन लोगों को, फ्रिज भी दिया हुआ, ओवन भी दिया, हर चीज़ दी हुई है, तो वो अगली वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। फिर हम ये यूनिवर्सिटी के लिए देखने के लिए बाहर निकले कि यूनिवर्सिटी कैसी है, बिल्डिंग देखो कितनी आला है इस यूनिवर्सिटी की। भाई मेरा दिल बहुत खुश हुआ, ये यूनिवर्सिटी बहुत आला है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको चाइना के बारे में बताती